आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। महानगर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए एसपी ट्रैफिक ने रूट का किया डायवर्जन। कहा, शहर में कई जगहों पर खुदाई की वजह से उत्पन्न हो रही है जाम की स्थिति। संबंधित अधिकारी को कार्यों को रात में कराने के दिए गए निर्देश। मल्टी लेवल पार्किंग के बाद भी लोग सड़कों पर खड़ा कर रहे हैं गाड़ियां। नगर आयुक्त ने की अपील। कहा, पार्किंग में ही खड़ा करें अपने वाहन। सुरक्षा के साथ ही महानगर को मिलेगा जाम से निजात। जाम से निजात पाने के लिए चौराहों पर ड्यूटी पर लगाए गए पुलिस कर्मियों का एसपी सिटी ने आईटीएमएस कार्यालय पहुंचकर किया सीसीटीवी के माध्यम से ड्यूटी चेक। कहा, अनुपस्थित पाए गए पुलिस कर्मियों पर की जा रही है कार्रवाई की संस्तुति। नागरिकों से की अपील। कहा, सड़क के किनारे ना खड़ा करें वाहन, नहीं तो किया जाएगा चालान। शासन के निर्देश पर सार्वजनिक राशन वितरण की दुकानों पर राशन के साथ शुरू हुआ दाल, नमक और तेल का भी निःशुल्क वितरण। लोगों में दिखा काफी उत्साह। योगी सरकार के प्रति जताया आभार। जनपद में बुधवार को 44 संवेदनशील गांवों में लगाया जाएगा पुलिस चौपाल। राजपत्रित अधिकारी गांव में पहुंचकर जनता की सुनेंगे फरियाद, समस्याओं का करेंगे निस्तारण। एसपी सिटी ने दी जानकारी। 23 दिसंबर को जनपद में पहुंचेगी भाजपा की जन विश्वास यात्रा। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा, शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ जनता में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करेगी यात्रा। 50 स्वच्छाग्रही का दल करेगा 72 गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित। स्वच्छाग्रहियों को एनएक्सी भवन में दिया जा रहा है प्रशिक्षण। डीपीआरओ ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन की योजनाओं को किया जाएगा क्रियान्वित। नगर निगम के निर्माणाधीन सदन भवन का नगर आयुक्त विनाश कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री कर सकते हैं सदन भवन का लोकार्पण। कार्यों को तीव्र गति से कराया जा रहा है पूरा। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 339 केंद्रों पर 30,642 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,768 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 18,974 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, गर्भवती महिलाएं अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। और अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ एवं रोटरी क्लब गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में जटाशंकर स्थित गुरुद्वारा के सभागार में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। करीब 150 लोगों को हेल्थ चेकअप के साथ दिया गया निःशुल्क परामर्श।